हेलो दोस्तों, आलू के पराठे आप सभी बनाते होंगे। सबका बनाने का तरीका अलग होता है। मैं यहाँ पर अपने तरीके से आलू के पराठे की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर इस पराठे की स्टफिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और आपको देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप देखकर और तुरंत इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, मुझे पता है। आप लोग फीडबैक भी दीजिएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टफिंग मैं तैयार करूंगी, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके की है और डिफरेंट तरीके से हम पराठे का आटा भी लगाएंगे। तो पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आलू के पराठे का आटा लगा कर रखेंगे। इसके लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। साथ ही एक चीज और मैं ऐड करूंगी, वो है 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन से इस पराठे में आएगा बिल्कुल ढाबे वाला स्वाद। ढाबे पे जैसे पराठे मिलते हैं एकदम सोधे सोधे स्वाद वाले, तो बेसन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बेसन जरूर डालें। उसके बाद से मैं यहाँ पर दे रही हूँ देशी घी। देशी घी जो है 2 टेबल स्पून है। और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देशी घी डालने से पराठे का जो ऊपर का कवर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे खा लेते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद से हम नॉर्मल पानी डालकर यहाँ पर एक सिंपल सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे, जैसे कि रोटी के आटे का डो होता है, एकदम सॉफ्ट आटा होगा। स्टफ पराठा जब भी बनाएं तो ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इस आटे को ढककर हम एक बार रख देते हैं और चलिए करते हैं स्टफिंग की तैयारी। स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मसाला तैयार कर रही हूँ जो कि रोस्टेड होगा। तो यहाँ पर मैंने पैन में लिया है 1 टीस्पून भर के जीरा, और जीरे के साथ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून सौंफ। और ये जो मसाला है ये बहुत टेस्टी लगता है, तो मसाले में आलू के मसाले में जरूरी से डालें। इसके साथ ही साथ हम लेंगे काली मिर्च के दाने, लगभग 12 से 15 दाने हैं। साथ ही 2 टीस्पून धनिया के बीज हैं, साबुत धनिया जो होती है उसके बीज मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर लेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें। लाल मिर्चों को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं खाना। मैंने यहाँ पर पैन में लेकर और इस पैन को गैस पर रख दिया है, फ्लेम को सिम रखा है, और सिम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट तक हम इस मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करते करते आप देखेंगे कि मसाले का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है, साथ ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो उस स्टेज तक हमें मसाले को फ्राई करना है। तो चलिए 1 मिनट हो चुके हैं और अभी आप देख रहे हैं मसालों का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मसाले को पैन में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पैन की गर्माहट से मसाला और ज्यादा सिक जाएगा। इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकालने के बाद हम इसे यूं ही छोड़ देंगे जिससे कि मसाले थोड़े से ठंडे हो जाएं। और अब इसी पैन में मैं लूंगी बहुत थोड़ी सी देसी घी, आप मान सकते हैं कि 1/5 टीस्पून देसी घी है। देसी घी डालने के बाद हम यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूंगी अदरक के कुछ इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस कटे हुए। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं जिनको छीन लिया था। आप जो है यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्ची वगैरह आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों चीजों को हम सिम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे जिससे ये सारी चीजें अच्छे से सोधी सोधी सी हो जाएं। तो अभी 2 मिनट के बाद आप देख रहे हैं तीनों चीजें काफी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं। और तेल बहुत ज्यादा नहीं लेना है, जितना आपने देखा है उतना ही आपको डालना है। तीनों चीजों को रोस्ट करने के बाद अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब ये जो मसाला है इसके लिए मैंने छोटा सा इमामदस्ता लिया है, मिर्चों को थोड़ा सा तोड़ लिया है जिससे इसको कूटने में आसानी हो। और इसका हम एक दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे। ध्यान रखें कि इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, अगर आप मिक्सी में पीसें तो भी ध्यान रखें इसको दरदरा सा पाउडर तैयार करें। तो यहाँ पर हम इसे दरदरा सा कूट कर तैयार कर लेते हैं। लीजिए हमारा ये बढ़िया सा मसाले का पाउडर बनकर तैयार है। इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे बर्तन में और इसी इमामदस्ते में हम अपना ये लहसुन अदरक धनिया ये जो है इसको सब अच्छे से कूट लेते हैं। इसे भी हम इस तरह से दरदरा एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे ही हमें सारी चीजों को अच्छे से दरदरा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों जो चीजें हैं मैंने तैयार करी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। अभी यहाँ पर अब ले लिया है आलू, 7 से 8 उबले हुए आलू हैं जिनको छील कर रखा हुआ था। पराठे बनाने से कम 2 से 3 घंटे पहले आलू को उबाल कर छील कर रख लें। आलू पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, तब आलू जो है पानी नहीं छोड़ेगा। नहीं तो आलू के पराठे में ये समस्या होती है कि आलू का पराठा पानी जो है छोड़ने लगता है, स्टफिंग जो होती है उससे लोग परेशान रहते हैं। और अभी आलू को मैश करने के बाद हम ले लेंगे नमक, साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, थोड़ा सा काला नमक डाला है। इसके अलावा थोड़ा सा चाट मसाला लगभग 1/2 टीस्पून है, और वो हमारा खड़ा दरदरा मसाला जो हमने रोस्ट करके रेडी किया है। साथ ही ये पेस्ट लहसुन अदरक मिर्च का, अगर आप ज्यादा तीखा चटपटा खाना चाहते हैं तो इसके अलावा भी आप लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद से मैं यहाँ पर ले रही हूँ बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां। हरी धनिया की पत्तियों के बाद एक छोटा प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था,
और प्याज के बाद अब यहाँ पर ये जा रही है थोड़ी सी कटी हुई पालक, लगभग हाफ कप है। पालक को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद पानी को से अच्छे से छान लिया था, जिससे पालक का पानी हमारे आलू में ना आए। तो पालक और आलू में से दोनों में से आपको पानी अच्छे से छानना जरूरी है, नहीं तो जो स्टफिंग हम तैयार करेंगे वो बहुत ज्यादा गीला होगा और आपको भरने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन दो तीन बातों का आप ध्यान जरूर रखें कि पालक, धनिया और आलू में बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो हमारा जो स्टफिंग तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से एकदम बॉल की शेप का होगा। आप जब इसे उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी शेप ले रहा है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, एकदम परफेक्ट जो है हमारा रेशियो से ये मिक्सचर तैयार हुआ है। अगर आपको लगे कि गीला हो गया तो आप थोड़ा सा एक दो चम्मच गेहूं का आटा इसमें मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर स्टफिंग के मैंने गोले बना के रख लिए हैं। ढाबे वाले जो पराठे बनाते हैं दोस्तों वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो मैं भी यहाँ पर बड़े साइज के पराठे बनाऊंगी, इसलिए यहाँ पर आटे की मैंने बड़ी सी लोई ली है। जितनी लगभग दो रोटियों का आटा होता है उतना आप मान सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी लोई ली है। इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी, दो तरीके से भरना बताऊंगी। पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लोई लेने के बाद हमको अपने दो उंगलियों की मदद से दोनों हाथों से दोनों साइड से पकड़ते हुए इसको देना है कटोरी की शेप। ध्यान रखें कि ये काम हल्के हाथों से करें और नीचे का जो पार्ट है जहाँ पर हमें आलू का मिक्सर रखना है वो पार्ट थोड़ा सा मोटा आप रखें, यानी कि तला जो है मोटा रहेगा, ऊपर का पार्ट जो है वो थोड़ा पतला रहेगा। और आलू रखकर हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए चारों ओर से फोल्ड करते हुए आप इसके मुंह पर लाते हुए चारों ओर से फोल्ड करके अच्छे से इसके मुंह को बंद कर लीजिए और बस इसका मुंह जो है वो अच्छे से दबा दीजिए, जैसे हम लोग कचौड़ी बनाते हैं कुछ इस तरीके से इसे भरना है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है आलू के पराठे भरने का। इससे पराठे जो है बिल्कुल भी फटते नहीं है, साथ ही सेकने के बाद भी काफी टेस्टी देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से इस पे लगाएंगे सूखा आटा। और पराठे को बेलने के लिए हमेशा आप हल्के हाथों से पराठे को बेले। ध्यान रखें जब भी एक्स्ट्रा पराठा बेलना हो तो बहुत ही हल्का हाथ हमें लगाना चाहिए। और जो परोथन है वो अगर आप मैदे का लें तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैंने भी मैदा लिया हुआ है परोथन लगाने के लिए, क्योंकि उससे पराठे हमारे एकदम सफेद बनते हैं, कलर एकदम अच्छा होता है और तवे पे जो है ज्यादा गंदगी भी नहीं छोड़ता है। गेहूं के आटे के परोथन से होता यही है कि पराठे में जो है कलर थोड़ा सा डार्क सा आ जाता है। यहाँ से मैंने बड़ा सा पराठा बेलकर रेडी कर लिया, उसे अलग रख दिया। अब ये मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें लोई को थोड़ा सा बेल लेना है एक बड़ी पूड़ी के साइज में। बीच में आपको स्टफिंग रखनी है और चारों ओर से मोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल दें और अच्छे से चारों ओर से दबाते हुए इसे दबा दें। तो ये हमारी एक लोई भरकर तैयार हो गई है। इसे भी सेम तरीके से मैदे का परोथन लगाकर हम हल्के हाथों से बेलेंगे। इस तरह वाले में होता है कि कभी कभी स्टफिंग जो है हल्के हाथों से निकलने लगती है अगर आपने थोड़ा भी दबा कर बेल दिया। पर इस तरीके से भी पराठे अच्छे बनते हैं। आप दोनों तरीके से में से कोई भी तरीका ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली मुझे अपना पहला वाला तरीका ज्यादा पसंद है। यहाँ पर दोनों पराठे बेलने के बाद अब मैंने गर्म तवे पर अपना पहला पराठा डाल दिया है। पराठा डालने के बाद इसे पलट लें और हाई फ्लेम पर आप बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं। और पराठों को सेकने के लिए मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। कभी कभी ढाबों पर बटर में भी पराठों को सेकते हैं या फिर घरों में ऑयल से भी सेकते हैं, तो ये आपकी इच्छा पर है कि आप घी, तेल या बटर कैसी चीज का यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा घी ज्यादा लगाएं, उससे पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, अच्छे खस्ता करारे सीखते हैं। और जब घी ज्यादा हो तो वो साइड साइड से आप चम्मच से हल्का हल्का निकाल कर साइड में डाल सकते हैं, उसे पराठे के नीचे का पार्ट बहुत अच्छा सीख जाता है। तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी से बना सकते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारा पहला पराठा सीख कर तैयार है। और ये मैंने अभी डाला है दूसरा पराठा, इसे भी हम इसी तरीके से देसी घी लगाकर सेक लेंगे और बहुत ही टेस्टी टेम्पटिंग फूले फूले पराठे बने हैं। क्रिस्पी हैं, खस्ता हैं और हाथों से जब हम इसे तोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए लगा लेते हैं आलू के पराठे की ये थाली। यहाँ पर मैंने आम का अचार लिया है जो कि होममेड है, फ्रेश दही ली है और लीजिए हमारे ये गर्मा गर्म पराठे। दोनों पराठे मैंने साथ बना कर रखे थे तो दोनों पराठे गर्मा गर्म मैंने यहाँ डाल दिए हैं। और ये प्लेटर आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। इस तरीके से आलू के पराठे बनाकर आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। बच्चे स्पेशली बहुत प्रेम से खाते हैं। इस तरह की स्टफिंग बनाकर ट्राई करिएगा, ढाबे वाला पूरा टेस्ट आपको आएगा। चलिए एक पराठा तोड़कर दिखाती हूँ। पराठे बहुत ज्यादा गर्म है तो मेरे हाथ भी जल रहे हैं। और यहाँ पर पराठों को तोड़ते ही आप देख रहे हैं स्टफिंग कितनी बढ़िया से अंदर तक फैली हुई है। कहीं पालक दिख रहा है, कहीं आलू दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया स्टफिंग है दोस्तों। इस तरीके से बनाकर पराठे आप भी ट्राई करना, मुझे फीडबैक देना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।